हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन एसएस कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने मल्टीपल ऑफ एंगल्स तो पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे सब मल्टीपल ऑफ एंगल। सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स को स्टूडेंट बोलते हैं हाफ एंगल भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हाफ एंगल है उसका फार्मूला क्या होता है और उससे बेस्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हाफ एंगल का फार्मूला बहुत डिफिकल्ट नहीं है या उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। आपको हाफ एंगल यानी कि सब मल्टीपल एंगल वाला जो फार्मूला है उसको पढ़ने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ एंगल्स वाला फार्मूला बस याद होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग तो काफ़ी जो है पराक्रमी हैं, काफ़ी महारथी हैं, तो आप लोग तो मल्टीपल ऑफ एंगल्स का फार्मूला याद ही कर लिए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, साइन 2x का फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ था, साइन 2x का पढ़ा हुआ था आपने 2sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम साइन एक्स अगर हम लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 × x/2, है ना। जैसे साइन 2x है ना, यहाँ पे साइन 2x के पीछे क्या हो गया, x/2। तो फार्मूला तो बिल्कुल यही लगेगा ना, फर्स्ट वाला है ना, साइन 2x वाला, लेकिन जो एंगल है ना वो x/2 हो गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे सब मल्टीपल हो गया है, हाफ एंगल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए कि साइन x क्या हो जाएगा, फिर वही फार्मूला साइन 2x के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा, साइन एक्स 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है स्टूडेंट। अब उसी के बाद जैसे हम लोग कॉस एक्स का पढ़े थे, है ना, जैसे हम लोगों ने कॉस एक्स का पढ़ा हुआ था वैसे ही, सॉरी कॉस 2x का, वैसे ही हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे कॉस 2x हमने क्या पढ़ा हुआ था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको हम और कन्वर्ट करेंगे तो 1 − 2 sin² x, या फिर 2 cos² x − 1। तो उसी तरह जैसे हमने साइन वाला बताया कि साइन एक्स बाई टू कैसे लाना है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 − 2 sin² x/2, या फिर 2 cos² x/2 − 1। लेकिन इसी फार्मूले को और हम जनरलाइज करेंगे तो 1 − cos x क्या आएगा, 2 sin² x/2, एंड 1 + cos x क्या आएगा, 2 cos² x/2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने पढ़ा हुआ था एक फार्मूला, साइन को टेन के टर्म में लिखना और कॉस को टेन के टर्म में लिखना, है ना स्टूडेंट्स। तो साइन 2x में क्या पढ़ा हुआ था, साइन 2x पढ़ा हुआ था 2 tan x / 1 + tan² x। तो स्टूडेंट बिल्कुल जो है साइन x का भी वैसे ही होगा, साइन x हो जाएगा 2 tan x/2 / 1 + tan² x/2, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही है। कॉस x क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा 1 − tan² x/2 / 1 + tan² x/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बिल्कुल आसान है, आपको इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। आपने मल्टीपल ऑफ एंगल्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग आगे इसका प्रूवमेंट देखते हैं, बहुत सिंपल प्रूवमेंट है इसका, ठीक है, मैं एक प्रूवमेंट आपको करके बता दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे साइन एक्स क्या है, 2 sin x/2 × cos x/2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अगर लेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू। अब स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना, बहुत हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे इसको, कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक करेंगे, साइन एक्स यानी कि साइन एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू को, तो क्या होगा, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू, यानी कि स्टूडेंट देखें ये दोनों पार्ट सेम है, 2 times हैं, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 × sin x/2 × cos x/2, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ही cos x का हो जाएगा, वैसे ही tan x का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ लेंगे और इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, है ना।
तो आइए हम लोग क्वेश्चन के देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ टेन एक्स इज इक्वल टू 3/4 एंड पाई इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 3π/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू। अब इसमें सबसे पहली चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो दिया हुआ कंडीशन कि जो x है एंगल है वो बड़ा है पाई से लेकिन छोटा है 3π/4 से, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। किसमें स्टूडेंट्स? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होंगे, है ना स्टूडेंट्स? थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब अकॉर्डिंग क्या होगा? T फॉर टेन और cot, बाकी सब के सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे टेन एक्स 3/4 दिया हुआ है ना, तो हम जानते हैं जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि sec x क्या होगा? अंडरवुड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि फार्मूला हम लोग पढ़े ना, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, वहीं से कन्वर्जन किया गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो sec x क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रूट में रहेगा। तो यहाँ पे टेन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स और सॉल्व करेंगे तो sec x आएगा 5/4, यानी कि माइनस 5/4 लेंगे, बिकॉज क्यों ले रहे हैं ऐसा? थर्ड क्वार्टर में है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब sec x जो है माइनस फाइव बाई फोर है तो cos x क्या हो जाएगा? माइनस 4/5 होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उसके बाद उसी तरह हम लोग निकालेंगे 2 sin² x/2 क्या होता है? 1 cos x होता है, है ना? अभी हमने फार्मूला पढ़ा मल्टीपल सब मल्टीपल का, हाफ एंगल का, है ना? तो 2 sin² x/2 होता है 1 cos x। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 4/5 तो कितना आ गया? 9/5, यानी sin² x/2 9/10 आ गया स्टूडेंट। अब इतना करने के बाद स्टूडेंट, इतना करने के बाद एक बात हमको बहुत ध्यान से नोटिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये नहीं जानेंगे आप लोग तो गलतियां करते रहेंगे। स्टूडेंट हम जो हमें कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, वो कंडीशन मल्टीपल एंगल के दिया हुआ है, एक नॉर्मल एंगल के लिए दिया हुआ है, कंप्लीट एंगल के लिए दिया हुआ है, x बाय टू के लिए नहीं दिया है, है ना? देखिए जो कंडीशन हमको दी हुई है ये x के लिए दी है, एंगल x के लिए, लेकिन हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट अब x बाय टू करने वाले हैं, है ना? तो स्टूडेंट्स इस अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे आपको समझना ये है कि पाई जो है ये दिया हुआ कंडीशन, अब 2 से डिवाइड करिए सब में, तो ये पाई बाय टू हो जाएगा, ये x बाय टू हो जाएगा और ये 3π/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एंगल x बाय टू है वो पाई बाय टू से बड़ा है ना स्टूडेंट्स, और 3π/4 से छोटा है। इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किसमें स्टूडेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये बात स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका साइन हमेशा मिस्टेक होता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा हमें जो दिया हुआ है वो कंप्लीट एंगल दिया, लेकिन हमको निकालना किसका? हाफ एंगल का निकालना है। तो ये चीज़ जो बताया है इसको आप लोग ध्यान से सोच करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट साइन एक्स बाई टू क्या आ जाएगा? 3/√10 आएगा, तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब हम कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय टू निकालेंगे, तो टू सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू निकालेंगे तो 2 cos² x/2 क्या होता है? 1 cos 6। ये भी सब मल्टीपल का फार्मूला है पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/5, तो cos² x/2 कितना आएगा? 1/10 आएगा, तो cos x/2 क्या आएगा? -1/√10। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट tan x/2 कैसे निकालेंगे? sin/cos करके, तो आ जाएगा -3। तो स्टूडेंट हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, sin x/2 3/√10 आ गया पॉजिटिव, cos x/2 -1/√10 आ गया और tan x/2 -3 आ गया। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने के लिए,
कि जो कंडीशन हमको दिया हुआ है एंगल का, है ना, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, वो जब हम हाफ एंगल करेंगे ना वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है स्टूडेंट, नहीं तो आपकी साइन में मिस्टेक होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो पता तो चल जाएगा आप लोग अगर ध्यान से करेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे हम चलते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इस पार्ट को लिया। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि कॉस एक्स का फार्मूला क्या था, हाफ एंगल वाला हाफ। अब हाफ क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हाफ होने चाहिए, यहाँ जो इम्प्रूवमेंट है वहाँ पे हाफ भी दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो है फार्मूला अप्लाई कर दिए, कॉस एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, कॉस टू वाले अकॉर्डिंग, है ना, कॉस टू थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वन के प्लेस पे हम लोग आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली, हाफ चाहिए हमको, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद साइन एक्स के प्लेस पे वही वाला फार्मूला, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग, इसको हम ब्रेक करेंगे इस फार्मूले को, तो क्या आएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे स्टूडेंट ध्यान देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट और यहाँ एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो वन आएगा, फिर साइन अपॉन कॉस टेन आ जाएगा, यहाँ भी वन आएगा, साइन अपॉन कॉस टेन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स वन के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे टेन पाई बाई फोर। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों पुट किया गया, क्यों पुट किया, क्यों पुट करेंगे, तो स्टूडेंट्स मैंने बताया है कि हमेशा इस बात पे फोकस करिए कि आपको प्रूव क्या करना है, है ना स्टूडेंट, इस बात पे हमेशा फोकस करिए। तो प्रूफ में पाई बाय फोर की काउंटिंग है ना, उसको प्रूव करना है ना, तो इसीलिए हमने वन के प्लेस पे क्या लिखा है, टेन पाई बाय फोर। फिर नीचे स्टूडेंट्स वन माइनस जो टेन एक्स बाई टू है ना स्टूडेंट, क्या करेंगे, टेन पाई बाई फोर यहाँ पे लगते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू वन होती है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इस फार्मूले को आपको शायद याद कुछ आ रहा होगा, हालांकि आपको कुछ याद नहीं आता जल्दी, लेकिन याद आ गया होगा कि ये टेन ए प्लस बी का फार्मूला है। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इन टेन बी। तो स्टूडेंट्स टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, उसी के अकॉर्डिंग देखिए इस फार्मूले को, है ना, ए के प्लेस पे पाई बाई फोर है और बी के प्लेस पे एक्स बाई टू है, तो ये टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू आ गया, ठीक है स्टूडेंट, राइट साइड के बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो बिल्कुल आराम से अगर आप लोग करेंगे तो आपको वो चीज़ें मालूम चलती जाएंगी जो आपको प्रूव करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस ही है जो आप कर सकते हैं और इसको जान सकते हैं, अदरवाइज कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो आप लोग सॉल्व करेंगे घर पे, ठीक है, उसको करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जरूर डिस्कस करने के लिए एकदम फ्री हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको घर पे सॉल्व करिए और देखिए क्या जो है आप लोग कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और स्टूडेंट उसके बाद इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है 3, 4, 5 का, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा जो एक अच्छा खासा जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो 11th क्लास में था एक पार्ट, वो ओवर हो गया है। अब हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे इसी में, है ना, तो ये बेसिक चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी,
इनको हमको बहुत ध्यान से, बहुत सलीके से, अच्छे तरीके से इसको हमें याद रखना है, रिमाइंड रखना है, ताकि हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बिकॉज ये पूरा बेस है आपका, कैलकुलस पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री 100% आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे फार्मूले हैं इसके, तो आप लोग इसको ज़रूर जो है बार बार प्रैक्टिस करके फार्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको लगाइए और सब लोग खुश रहिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।